यमुना खादर के इलाकों में बाढ़ का पानी भरने के बाद मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में आज दिल्ली की मेयर ने स्वामी दयानंद अस्पताल का दौरा किया और वहां पर डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मेयर ने वार्ड का भी निरीक्षण किया और मरीजों से मुलाकात की। आज यहाँ पर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में हम यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज जी, यहाँ के जो विधायक हैं राजेंद्र पाल गौतम जी और जितने तमाम हमारे लोकल काउंसलर हैं और हमारे कमिश्नर साहब हैं और अलग जितने भी हमारे एनसीडी के अधिकारी हैं, उनके साथ हमने यहाँ पर विजिट इसलिए रखा क्योंकि आपको मालूम है पिछले एक हफ्ते से जो दिल्ली है पूरी यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ गया था और जो पानी है पूरी तरह से मेन रोड से आ गया था, जगह जगह जल भराव था, फ्लड वाली सिचुएशन आ गई थी। पर खुशी की बात अब ये है कि जो जल स्तर है वो अब कम हो चुका है और जिन जिन लोगों को हमने रिलीफ कैंप में भेजा था इवैक्यूएट करके वहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। पर अब थोड़ा सा चिंता का विषय ये है कि पिछले साल के मुताबिक हो सकता है इस बार फ्लड को देखते हुए इस बार जो डेंगू मलेरिया के जो केसेस हैं वो ज़्यादा आए, तो अब दिल्ली सरकार और एनसीबी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आज सुबह ही मैंने जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसकी एक रिव्यू मीटिंग ली थी और इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट को और पब्लिक हेल्थ जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके जितने भी अधिकारी हैं कि हमारा जो एनसीबी का जो सबसे बड़ा अब हमारा जो काम रहेगा, जहाँ जहाँ से पानी रिसीव कर गया है वहाँ पर साफ सफाई का, कि कहीं भी जो कूड़ा है, वेस्ट है, जो पानी के साथ आया है, मिट्टी है, जो सिल्ट है, स्लज है, उन सबकी सफाई करना और साथ ही दवाइयों का छिड़काव करना कि कम से कम केसेस इस बार डेंगू मलेरिया के। मैम, पिछली बार आपने यहाँ का दौरा किया था, केयर टूटी हुई थी, जच्चा बच्चा वार्ड की अभी तक ठीक नहीं हुई है मैम। जी देखिए, जब मैंने पिछली बार विजिट किया था तो यहाँ पर अधिकारियों को मैंने सब इंस्ट्रक्शन दे दिया था और जो जो काम यहाँ पर बकाया है होने वाले हैं उन सबका एस्टिमेट भी रेडी हो चुका है और आने वाले कुछ एक दो महीने में, अभी बारिश का मौसम है, उसके बाद आप देखेंगे जो जो यहाँ पे इंफ्रा का काम पेंडिंग है वो जल्दी पूरा। अवेयरनेस कैंपेन को लेकर क्या कुछ? जी देखिए, जैसे अभी आपको हेल्थ मिनिस्टर साहब सौरभ जी ने बताया कि जितने भी हमारे एनसीडी के ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, हमारे मलेरिया इंस्पेक्टर हैं, डीबीसी वर्कर्स हैं, उन सबको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि वो जगह जगह ब्रीडिंग को चेक करें और कोशिश करें घरों के अंदर जाकर लोगों की टैंकी चेक करें और जहाँ जहाँ जल भराव है वो भी एरिया चेक करें कि केसेस कम से कम आए, क्योंकि हम लोग पहले से ही तैयार होना चाहते हैं कि जितने भी दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं और नगर निगम के अस्पताल हैं हमारी पूरी तरह से व्यवस्था हो कि अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं तो हम उनको पूरी अच्छे से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें। लेकिन मेयर के जाने के बाद जो हमने अस्पताल की तैयारियों को लेकर मरीजों से बातचीत की तो मरीजों का कहना था कि इस अस्पताल में कभी भी पूरी दवाई नहीं मिलती है। मैं अपनी भी लेने आई थी, अपनी मम्मी भी। अच्छा, तो दवाई पूरी मिली आपको? बाहर से लेनी होती है और सेकंड यहाँ के डॉक्टर का बात करने का तरीका ना बिल्कुल अच्छा नहीं, रूड होकर बात करना, ना ही पेशेंट को तरीके से देखना। अभी अभी कितनी दवाई मिली आपको? दो मिली, बाहर से लेना है। अभी सर्वाइकल की दिक्कत है, चक्कर आता बहुत ज़्यादा। आज दिखाने आया हूँ, बरेली से आया हूँ समय दिखाने के लिए और यहाँ जैसा नंबर आया, जब नंबर आने के बाद में मैडम का लंच टाइम हो गया, लंच के बाद आने का हुआ तो उन्होंने कह दिया कि अब मैं किसी को नहीं देखूँगी। मुझे कोई तरीका थोड़ी होता। कौन सी डॉक्टर थी? डॉक्टर का नाम तो नहीं पता, कमर नंबर 105 बैठी थी मैडम। उन्होंने कह दिया अब नहीं देखना तो नहीं देखना है। उन्होंने कहा बरेली से आए देख लो क्या दिक्कत है, उन्होंने कहा नहीं अब नहीं देखना तो नहीं देखना है, ऐसा थोड़ी होता है। परेशानी है मुझे इस टाइम पर, मुझे वो लोग लिख दिए कि शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हम डॉक्टर के गए क्या कि डॉक्टर उठ गए हैं, कभी वहाँ धक्का खाओ सुबह से हम तक कभी धक्के ही खा रहे हैं, कहीं डॉक्टर नहीं देखे हैं। अच्छा, कुछ दवाई वाई लिखी आप? नहीं लिखे हैं, बोले परसों आना कल आना जब मर्जी हो तब आना। अच्छा, अभी आपको नहीं देखा डॉक्टर ने? नहीं देखा किसी ने। तो सुबह कितने बजे आ गई थी आप? हम सुबह 9 बजे आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, और कब से इलाज करा रही हैं आप यहाँ से? हम तो अभी आज 15 दिन हुआ। अच्छा, तो पहले दवाई ले गई थी आप यहाँ? पहले ले गए थे, कुछ यहाँ से मिला था कुछ हम बाहर से लिए थे। अच्छा, पूरी दवाई नहीं मिली? पूरी नहीं मिली, कभी भी पूरी नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्या हुआ है? उल्टी दस्त हो रही है, एक दिन की गोली ट्रीटमेंट है, कोई खास ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ताकि कमजोरी बच्चे में आती है, एक दो बोतल लगा दे गई ऐसी कोई। अच्छा, कोई चेकअप वगैरह कुछ नहीं? कोई चेकअप वगैरह कुछ नहीं। कितने दिन की दवाई दी? एक दिन की, बस एक गोली। अच्छा, फिर आपने बोला नहीं डॉक्टर को? बोला है, कहने लगे कि वो भी दिखा। तो इस तरीके से जो मेयर और अस्पताल प्रशासन जैसा दावा करते हैं कि उनकी तैयारियां पूरी हैं, उन तैयारियों पर कहीं ना कहीं मरीजों के बताए दवाइयों की कमी बताई जाने से सवाल खड़े होते हैं। ईटीवी के लिए दिल्ली से मैं राहुल चौहान।